आसमां को छूती शोहरत, लाखों करोड़ों फैंस, मुट्ठी में बंद तकदीर। सलमान खान का नाम आते ही ये बातें जहन में आ जाती है, लेकिन कानून इन तमाम चीजों से बेहद ऊपर है। कानून के लिए आम और खास हर अपराधी बस अपराधी है और उसके लिए सजा भी एक जैसी चीज है। भले ही हिट एंड रन केस का फैसला 13 साल बाद आया, लेकिन यह फैसला उन पीड़ित परिवारों के लिए बेहद राहत भरा रहा जिन्होंने 28 सितंबर 2002 की रात को अपना बहुत कुछ गंवा दिया। हाँ, यह फैसला सलमान खान की आंखों को नम जरूर कर गया। लगभग 13 सालों के बाद जेल, लेकिन कुछ ही घंटों में बेल। जी, सलमान खान जेल जाते जाते बच गए। सालों पुराने हिट एंड रन केस में सलमान खान को मुंबई के सेशन कोर्ट ने पहले 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन शाम होते होते उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से 2 दिनों के अंतरिम जमानत मिल गई। अब इस मामले पर 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी, उसके बाद आगे ही बात तय हो पाएगी। लेकिन हिट एंड रन केस में तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची कि सलमान खान इस मामले में दोषी है। हजारों के हुजूम में चमकता हुआ एक चेहरा आज 13 साल बाद एक चर्चित और गंभीर मामले में दोषी पाया गया है। ये उस चेहरे का जिक्र है जिसका कद 70 mm के फिल्मी पर्दे से भी बड़ा है। वो बॉलीवुड का दबंग है, वो बॉलीवुड का प्रेम है, वो बॉलीवुड के भाईजान है, वो सलमान खान है जो हिट एंड रन केस में दोषी मान लिए गए। तेरह साल पहले की वो रात कितनी काली थी जब सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने निकले थे सलमान, लेकिन 13 साल बाद वो 5 किलोमीटर की दूरी खत्म हुई है जिसका फैसला मुंबई के एक सेशन कोर्ट में किया गया। अंधेरी रात के उस कारनामे का फैसला दिन के उजाले में आया। वक्त की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, मुंबई में समय रुक सा गया था, बॉलीवुड की आंखें नम थी, देश भर में करोड़ों फैंस की सांसें अटक गई थी, सलमान का परिवार रो रहा था, खुद सलमान रो रहे थे जब जज ने समंदर किनारे वाले शहर के उस लड़के को जुर्म के लिए जिम्मेदार मान लिया। गैर अदालती नतीजे में दोषी पाया है और 5 साल की सजा सलमान को करार दी गई है। उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है और जो बाकी सेक्शन से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा, बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे थे। पीड़ितों के लिए मुआवजा, पीड़ितों के लिए पीड़ितों की मुआवजा की बात कर रही है। हाँ, पीड़ितों के लिए जो मुआवजा था वो कोर्ट में तो अलग था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनको 25,000 फाइन और 5 साल की। दिन के 11:30 बजे सल्लू मियां पर फैसला आना था। इस घड़ी का इंतजार सबको था, जो सलमान को जेल जाते नहीं देखना चाहते थे उनके लिए भी, और जो सलमान की गलती पर सजा होने की बात को सही मान रहे थे उनके लिए भी। दिन के 1:30 बजे के आसपास फैसला आया। फैसले की ये घड़ी 13 सालों का एक इंतजार था। इंतजार का परिणाम दुखद आया क्योंकि कानून की किताब के हिसाब से सलमान खान इस मामले में गलत थे। आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह वो दोषी पाए गए हैं कि बहुत गैर जिम्मेदारी उनका कृत्य था, ये कोर्ट ने मान लिया है। अभी देखना यह है कि सलमान क्या अभी कुछ राहत मिल सकती है या नहीं, लेकिन सलमान को 5 साल की सजा होने के कारण सजा और सस्पेंड तहकूब करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट को है। शायद आज जजमेंट की स्टेनो कॉपी लेके सलमान खान हाईकोर्ट में अपील दर्ज कर सकता है। सलमान के लिए चाहत की चादर फैलाए फैंस मायूस हैं, मौन हैं, लेकिन मौन होते हुए भी वो बोल रहे हैं। एक सुपरस्टार के जब जेल जाने की बात आती है तो समर्थकों की राय बट जाती है। सल्लू मियां की गाड़ी के नीचे आकर जो मर गया उसे आज कौन जानता है? कौन जानता है उस खान को जिसके नाम के आगे सलमान नहीं लगा था, नूरुल्ला लगा था। नूरुल्ला खान
13 साल पहले ही मर गया, लेकिन केस की कहानी बहुत लंबी चलती है, चलती रही। फैसले पर अब दुख जताने वालों की कमी नहीं है। बुरा लगता है क्योंकि बहुत सालों बाद आया है ये जस्टिस एंड यू नो ये वर्डिक्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो 5 साल की जेल बहुत ज्यादा है, उनको शायद कम करनी चाहिए, उनके फैंस के बारे में सोचना चाहिए, उनके करियर के बारे में सोचना चाहिए। और 5 साल तो बहुत ज्यादा है, मे बी 1 साल चलेगा, उनको फाइन कर दो। बहुत बुरा लग रहा है, इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है जो भी वर्डिक्ट दिया है। मतलब आजकल पॉलिटिक्स में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ऐसे छोटे मोटे केसेस को 5 ईयर्स जेल वो भी। और मेरे को नहीं लगता है कि सलमान खान के फैन सारे मतलब जो भी वर्डिक्ट है उनके अगेंस्ट ही जाएंगे सब लोग। बहुत दुख है, हम कल से सुना टीवी पे नहीं सुना, भाजन बोले भाजन का केस चारों घंटे, हम दवा मांग कर से खाना पीना सब बंद हो गया। हम उम्मीद है हम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक लड़ने के लिए, मुझे दरवाजा खटखटाए भाजन का भरोसा, भाजन कुछ गलत कम नहीं करेंगे। बहुत दुख हो रही है हम लोग को, बहुत दवा में मांगे हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, जेल भी मिलने जाएंगे सर। फैसले वाले दिन से पहले की शाम मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट सितारों से भर गया था। सलमान के घर आने वालों की संख्या देर रात तक जारी रही। फैसले से पहले भी बॉलीवुड सलमान के साथ था, फैसले के बाद भी बॉलीवुड सलमान के साथ है। इससे पहले भी बॉलीवुड को काफी ब्लोज मिल चुके हैं। संजय दत्त का केस है हमारे सामने, लेकिन बॉलीवुड में क्षमता है ब्लोज को सहने की, और उसे अगर इस वर्डिक्ट से इख्तिलाफ है, ही इज एट लिबर्टी टू गो टू द हायर कोर्ट्स। सोया था और रात के वही 2:30-3 बजे करीब सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दिया था हमारे ऊपर। उसके बाद सब बेकरी वाले जो है, ऑटो टैक्सी वाले सब जमा हुए, फिर निकाले हमको। निकालने के बाद उधर मैं बैठा था, उसके बाद जो है देखता हूँ तो स्टेयरिंग तरफ से सलमान खान उतरा और बाएं साइड से उसका पुलिस बॉडी गार्ड उतरा। ऐसा कैसा संतुष्टि हो जाना चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए तब तो संतुष्टि होना चाहिए। कभी कोर्ट से फटकार, कभी कोर्ट से राहत, कभी कोर्ट में सलमान के खिलाफ गवाही, कभी कोर्ट के कटघरे में सलमान की मौजूदगी। कुल 13 सालों के बाद अदालत तमाम गवाहों को सुनने और तमाम सबूतों को देखने के बाद इस फैसले पर पहुंची कि सलमान खान हिट एंड रन मामले में दोषी हैं, और इसीलिए सेशन कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सुपरस्टार दबंग टाइगर या बॉलीवुड का प्रेम, नाम जो भी दे लो, लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया उसने सलमान को सिर्फ एक नाम दिया है और वो नाम है मुजरिम। जी हाँ, 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में मुंबई सेशन कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक शख्स की मौत और 4 घायलों के मुजरिम सलमान को 5 साल के कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। हालांकि फिलहाल 2 दिन के लिए सलमान खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। तेरह साल पहले की फोरा सफेद लैंड क्रूजर का, मुंबई का बांद्रा इलाका। और वो हादसा, 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में फैसला आ गया है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार दिया है और 5 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई है। अदालत ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत के फैसले के बाद सलमान खान का पूरा परिवार सदमे में चला गया। जैसे ही अदालत ने सलमान खान को दोषी करार दिया, सलमान की आंखें नम हो गईं। कोर्ट परिसर में मौजूद बहन अलवीरा रो पड़ी, भाई सुहेल खान सदमे में खामोश हो गए। घर पर मां की तबीयत बिगड़ गई। लाखों दिलों में राज करने वाले सुपरस्टार हिट एंड रन केस में दोषी पाए गए। उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन पर 5 साल की सजा मुकर्रर की है। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा
दी है उनको। बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। देखिए मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम न्यायालय के, देखिए हम, मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोपी ने गुनाह किया है। अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए दिल्ली के चर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन कांड और मुंबई के अलिस्टियर परेरा हिट एंड रन मामले का हवाला दिया। 1999 में बिजनेस स्कूल के छात्र संजीव नंदा ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर दिल्ली में 6 लोगों की जान ले ली थी और मुंबई के अलिस्टियर परेरा हिट एंड रन मामले में 2006 में वाहन की टक्कर से फुटपाथ पर सोए 7 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हुए थे। इन मामलों में नंदा को जहां 2 साल की सजा हुई थी वहीं परेरा को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इन दोनों केसों का हवाला देकर सलमान की सजा मुकर्रर की। सजा के बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि फिर साबित हो गया है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह की दलील कोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसने नहीं मानी और जज ने शुरू में ही कहा कि सलमान खान आप गाड़ी चला रहे थे, आप इंटॉक्सिकेटेड थे, आप पे जो ये चार्ज थे, तो कोर्ट ने उनकी अशोक खान की जो दलील थी उसको खारिज कर दी और सलमान खान को ही प्रूव किया कि वो गाड़ी चला रहे थे। चलिए अब आपको यहाँ बताते हैं कि फैसले के दिन कब कब क्या क्या हुआ। सुबह 9:51 पर सलमान खान अपने घर से मुंबई सेशन कोर्ट के लिए रवाना हुए। 10:26 पर सलमान खान के भाई अरबाज और सुहेल भी सेशन कोर्ट पहुंच गए। 11:02 पर सलमान खान अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंच गए। 11:08 पर सलमान खान हिट एंड रन केस की सुनवाई शुरू हो गई। 11:10 पर हिट एंड रन केस में सलमान खान को दोषी करार दिया गया। 11:37 पर कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। 11:41 पर कोर्ट ने कहा कि सलमान घटना के वक्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। 11:45 पर दोषी करार दिए जाने के बाद भाई सुहेल खान कोर्ट से भावुक होकर निकल गए। 12:07 पर सलमान खान को हिरासत में लिया गया। 1:25 पर सलमान को सजा सुनाने से पहले कोर्ट की बिजली गुल हो गई, इसलिए सजा सुनाने में 2 मिनट की देरी हो गई। और 1:27 पर हिट एंड रन केस में सलमान खान को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। सलमान को सजा सुनाए जाने के बाद फिल्मी जगत में उदासी छा गई। सभी फिल्मी हस्तियां सलमान की पैरवी करते हुए दिखी। सभी ने अपनी संवेदनाएं सलमान और उनके परिवार के लिए जाहिर की। गिपूर्ण है इस घटना के अंदर जो लोग मारे गए उनके लिए भी एक संवेदना है और सलमान को ये सजा जो सुनाई गई है ये मुझे अकेले को नहीं लेकिन मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़ा हुआ है, जो जानता है सलमान को या सलमान के परिवार को, वो इस घटना से सभी आहत होंगे। बट वॉट एवर इज अ डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट दे विल डू द राइट थिंग बट माय सिंपथी फॉर सलमान। यकीनन मैं आप अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि सलमान को बेल मिलेगी, उसको जमानत मिलेगी और जो उसकी जितनी भी रुकी हुई फिल्में हैं वो सब कंप्लीट होंगी। ना सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि सुपरस्टार सलमान के फैंस भी इस फैसले के बाद बेहद मायूस नजर आए। आदमी बहुत अच्छे भाजन बहुत सबको मान, सब गरीब लोग बहुत मानते, मेरी बहुत याद आते, सब बहुत अच्छे भाजन। आई थिंक इट्स नॉट फेयर बिकॉज इट्स कमिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स, या 13 ईयर्स, पीपल हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन एंड द विक्टिम्स सन ही हिमसेल्फ सेज ही डजंट वांट सलमान टू गो टू जेल। कानूनी जानकारों की माने तो अगर सलमान को 3 दिन के भीतर जमानत नहीं मिलती है तो 7 जून तक बेल का कोई चांस नहीं, क्योंकि 10 मई से अदालत की छुट्टियां शुरू हो रही हैं।
लिहाजा अब सलमान और उनके वकील सलमान को जेल से बाहर लाने के लिए इन तीन दिनों में एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। एक हादसा किस तरह पूरी जिंदगी बदल देता है, कोर्ट के फैसले के बाद सलमान को इस बात का एहसास हो गया। 13 साल पहले हादसे की रात को क्या हुआ था, ये सब शायद अब सलमान की आंखों में तस्वीर बनकर घूम रहा होगा। लाखों फैंस के चहेते सलमान अब दोषी करार दिए जा चुके हैं और सलमान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन हादसे की रात की हकीकत क्या है, हादसा क्यों हुआ, कहां हुआ और सलमान उस वक्त किस हाल में थे, ये सब भी जानना जरूरी है। क्या हुआ था हादसे की रात? हिट एंड रन केस 13 साल पुराना है। हिट एंड रन केस 28 सितंबर 2002 का है। हादसा बांद्रा इलाके में हुआ था। सलमान टोयोटा लैंड क्रूजर में सवार थे। कोर्ट ने माना भी है कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे। रफ्तार में आती हुई सलमान की गाड़ी बेकरी के सामने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर चढ़ गई थी। इस घटना में एक शख्स की मौत हुई थी और 4 घायल हुए थे। इस मामले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया गया। अगली सुबह यानी 29 सितंबर 2002 को सलमान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस वक्त पुलिस स्टेशन से ही सलमान को जमानत मिल गई थी। मेरा पैर बाएं तरफ का टूट गया था जान। उसके बाद पुलिस ने लेकर बाबा में गए, वहां इलाज शुरू हुआ। सारा पैसा हम अपने लक्ष्य लगाए इलाज का और पैर में राड भी पड़ा हुआ है। हमारा कहना यही है अब तो अल्लाह पाक ने उसको सजा दे ही दिया, बोल हमको मुआवजा मिलना चाहिए। हादसे की रात बार में क्या हुआ था? हादसे की रात सलमान खान अपने दोस्तों के साथ रेन बार में गए थे। गवाहों के मुताबिक सलमान और उनके दोस्तों ने बार में बियर और खाना ऑर्डर किया था। बार से निकलने के बाद सलमान एक 5-स्टार होटल भी गए थे, जहां 4-5 लोगों के साथ सलमान ने एक वाइट रम की बोतल और कोकटेल ऑर्डर किए थे। लिहाजा ये साबित हो चुका है कि सलमान ने उस रात जम कर पी रखी थी। नशा इतना ज्यादा था कि सलमान की कार गरीब लोगों पर यमराज बनकर चढ़ गई। हादसे की रात सलमान को चेतावनी भी मिली थी। 28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान की सिक्योरिटी का जिम्मा सिपाही रविंद्र पाटिल पर था। पाटिल ने कोर्ट में बताया था कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने सलमान को समझाया था कि आगे मोड़ है, धीरे चले, लेकिन सलमान ने सिपाही की बात नहीं मानी। इस मामले में कुल 27 गवाह है, जिसमें से सलमान के ड्राइवर ने उनके पक्ष में गवाही दी थी। बाकी 26 गवाहों ने सलमान के खिलाफ गवाही दी थी। किन धाराओं में दर्ज हुआ केस? 304A लापरवाही के चलते किसी की मौत, 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 337 किसी हरकत से दूसरे की जान जोखिम में डालना, 338 अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना। सलमान पर धारा 304A लापरवाही के चलते किसी की मौत का मामला दर्ज है, साथ ही धारा 379 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, धारा 337 के तहत किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाने या जान जोखिम में डालने का मामला दर्ज है। इसके अलावा धारा 338 में अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालने के तहत मामला दर्ज हुआ। इन धाराओं के तहत सलमान को अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती थी। केस में कब आया यूटर्न? 304-2 गैर इरादतन हत्या। सिक्योरिटी में लगे सिपाही रविंद्र पाटिल के बयान और सलमान की ब्लड रिपोर्ट के बाद सलमान पर नई धारा 304-2 लगाई गई, जिसका मतलब है गैर इरादतन हत्या। इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस धारा के लगने के बाद सलमान खान को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। केस में क्या आया नया पेज? हिट एंड रन केस में नया पेज तब आया जब सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह ने दावा किया कि हादसे की रात गाड़ी सलमान नहीं वो चला रहा था। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी का टायर फटने की वजह से स्टीयरिंग जाम हो गई और गाड़ी घूम नहीं पाई।
इसलिए एक्सीडेंट हुआ। 13 साल तक इस तरह पूरा केस चला, कई गवाह बदले, कई नए गवाह जुड़े भी, लेकिन अब मुंबई सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर सलमान को दोषी करार दे दिया है और सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।